हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं कर आप सोचना मत कि अभी तो रात के आपको दिखा रुकी एक सेकेंड, इतने बजे है रात के और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। 12 बजे रात के, कोई हुक नहीं हुआ। यहाँ पे एसी चल रहा है और यहाँ पे ट्यूबलाइट चल रही है और यहाँ पे बल्ब चल रहे हैं और यहाँ पे बाथरूम। और गाइस, अभी हाँ यार, अब आ रहा है ठीक से। यस, तो गाइस मैं बताने वाली थी कि कल रात जैसे कि हम लोग की पैट लाते हैं तो हमें कोई अपना मिल जाता है, लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाता है तब आपको कैसा लगता है? वो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था और मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरी फीलिंग्स। तो मैं एक डॉग लाई थी, उसका नाम हमने रखा था प्रिंस, और प्रिंस बहुत ही अच्छा था। सिर्फ उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, स्टार्टिंग में तो अच्छी थी, लेकिन एक दिन हुआ मतलब हम लोग उसको कार के अंदर रखा और जैसे ही रखा कार के अंदर वैसे ही उसको उसकी तबीयत मतलब कि ख़राब हो गई। इसीलिए तो हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, तो सिर्फ और सिर्फ उस पैट शॉप वाले की ही गलती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही गलती है। सभी चीज़ें मैं तो मानती हूँ कि उसी की ही है गलतियाँ। अगर आप लोगों को लगता है कि उसकी गलती नहीं है तो आप लोग कमेंट में हम दोनों में से किसी एक का नाम बोलिएगा। और उस पेट शॉप वाले का नाम था पंडिया, और अभी भी मैं बहुत ही दुखी रहती हूँ, मुझे उसकी बहुत मतलब बहुत याद आती है। और वो लड़का था और इस कितना क्यूट था। और बाद में फिर उसको हम घर पे लाए तो उसके मतलब वो बॉय था तो उसको मतलब वो 2 नंबर करता था, तो मतलब पट्टी करता था तो उसको ब्लड निकलता था थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उसको मतलब वो क्या कहते हैं, लस्सी पिलवाई मतलब छाछ वो पिलाई, रोटी अंदर डाल के और पेडिग्री डाल के और वो सब वगैरह मिक्स करके, और फिर उसको खाना दिया और फिर उसको खुद की रोटी हुई और फिर वो सो गया। और सुबह 7 बजे देखा तो हो गया था उसका टाइट टाइट फिश। इसलिए मैं तो सुबह उठी, जैसे कि मेरी मम्मी ने बोला गयू मतलब गया, तो मेरे पापा ने बोला सो गए हो, एंड ऐसा मतलब मैंने क्या गया यार। फिर मेरे पापा ने कहा कि मतलब जो हम डॉगी लाए थे वो मर गया। तो मैंने जैसे ही सुना वैसे ही मेरे दिल में धक धक होने लगी और ये थी मेरी फीलिंग्स। और जब उसको गड्ढे में गाड़ने देते थे ना, मुझे आंसू रोक ही नहीं रहे थे, इतना रोना आ रहा था, अभी भी आ गया। और ये थी मेरी आज की फीलिंग्स। ओके, बाय, टेक केयर।